गाइज, ये है पीछे का पोर्शन बजाज बॉक्सर का। जस्ट मैंने कल ही परचेज किया था, ये भी सेकंड हैंड है। टायर का हालत देख सकते हो, पूरा मतलब चेंज करने लायक है, बट मैं चलाऊंगा इसको। डिस्पैट देख सकते हैं, कैलिपर सब कुछ हम रिवील करेंगे। और स्विंग आर्म जस्ट मैंने टेम्पररी लगाया है, स्विंग आर्म का हालत देख सकते हो। तो आज का मुद्दा ये है, इसमें करना है मोनो सस्पेंशन। ये वगैरह बूस्ट वगैरह तो हम मार्केट से परचेज करके इसमें इंस्टॉल कर देंगे। और ये जो स्विंग आर्म इसमें इंस्टॉल डायरेक्ट नहीं हो गए, मैं बूस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गैपिंग देख सकते हैं, गैप हो रहा है, तो हमें बूस्ट बनाना पड़ेगा। तो आज का मुद्दा ये है, इसमें मोनो सस्पेंशन कैसे करें। तो ये है FZ का, कितना भारी भाई FZ का सस्पेंशन। और इसमें हम कुछ इस तरीके से माउंट करेंगे। सो यहाँ पे मुझे मार्क करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्लैम बनाना पड़ेगा, और इसके ऊपर से हम इस तरह से काम क्लैम बनाना पड़ेगा। पहला क्लैम हम इसमें बनाएंगे, यहाँ मैंने मार्क कर लिया हूँ, देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल सेंटर करके मार्क करना है, यहाँ पे मुझे क्लैम बनाना है, और उसके बाद इसमें। एंड गाइज, ये 180 का स्विंग आर्म मुझे पल्सर 220 का मिला नहीं, तो जिसके पास 180 बाइक है उसको भी मैं मोनोशॉक करूँगा, और 220 बाइक है तो भी सेम है। 220 और 180 में मतलब डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट आता है जिसमें डिस्क ब्रेक वो सिस्टम लगता है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो ये है 180 का स्विंग आर्म। ये वाला चीज़ मैंने अभी देखो दो ब्रैकेट बनाई है, और इसमें मैंने ड्रिल होल मारा है, देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। अब फिटिंग कैसे करना है, देखो ये जो दिख रहा है ये हिस्सा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, देख सकते गैप नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके सीध में ड्रिल मारा है, और इसमें जो बोल्ट लगता है वो बोल्ट का ये रहा। अब मैं आपको ए टू जेड जानकारी दे रहा हूँ, अब यूट्यूब में आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला कि आपको ए टू जेड जानकारी देगा, जस्ट ऊपर ऊपर से बता देगा। ये है 18 mm का बोल्ट, ठीक है, ये है 18 mm बोल्ट, और इसका प्राइस मुझे पड़ा है पर पीस मुझे 40 रुपये लिया है भाई। बट इसमें कन्फ्यूज ही ना करें, क्योंकि इसको बोल्ट के ऊपर सारा लोड आने वाला है, तो अच्छा क्वालिटी का बोल्ट यूज़ करें। मैंने 18 mm का बोल्ट यूज़ किया है, देख सकते हो परफेक्टली इस होल के अंदर जा रहा है। इसमें आता है नीडल बेयरिंग, मैंने इसको क्लीन कर लिया है, और इसको मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ किया है। मुझे एक बूस्ट मिला है, देख सकते हैं, ये वाला बूस्ट भी मुझे नहीं मिला कहीं पे, ऑर्डर मैंने देखे आया हूँ। तो बूस्ट इस तरह से लगेगा, और बूस्ट में कोई प्लेयर नहीं होना चाहिए, देख सकते हो गाइस, बूस्ट इस तरह से लग जाएगा, देख सकते हैं ये बूस्ट लग गया। तीसरी बात, यहाँ पर आपको ये वाला चीज़ ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, जो कि हम अभी बनाएंगे। FZ का सस्पेंशन जो कि मुझे अच्छा मिला तो मैंने ले लिया, और इसका ब्रैकेट अलग है, ये वाला ब्रैकेट, और देख सकते हो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट छोटा है, तो जो ऊपर में वेल्ड होगा वो वाला ब्रैकेट छोटा बनाना पड़ेगा। सो गाइस, ये है बजाज बॉक्सर का चेसिस। तो मुझे इसमें पल्सर 220 का स्विंग आर्म इंस्टॉल करना है, जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये चीज़। 220 का जो सस्पेंशन एक्सल आता है, ये वाला सस्पेंशन एक्सल नहीं है, मैंने ऑर्डर देखा है, मेरे पास मिला नहीं, इससे थोड़ा सा पतला होता है, हल्का सा पतला, इसमें जाएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आप कैंची देख रहे हैं इसमें आपको ड्रिल बिट्स यूज़ करके पूरा इसको हॉलो करना पड़ेगा, मतलब इसके मोटाई के हिसाब से इस यहाँ पर ड्रिल करके आपका पूरा फ्रेम बनाना पड़ेगा, तभी ये वाला एक्सल जाएगा। और मैं बता दूँ, इसका जो एक्सल आता है वो बहुत ही पतला आता है, और इसका जो एक्सल है देख सकते हैं बहुत मोटा है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। मैंने इतना मोटा ड्रिल बिट यूज़ किया, इसका मुझे ड्रिल बिट्स का ओनली प्राइस पड़ा 300 रुपये, ड्रिल बिट्स का प्राइस है 300 रुपये, और ये मे बी 12.8 mm का ड्रिल बिट्स है, तो इसमें काम हो जाना चाहिए। तो गाइस देखो, ये है आपका बजाज बॉक्सर का ओरिजिनल एक्सेल, जो कि इसके अंदर फिटिंग हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। तो बट जो मैंने बताया इसके इसके अंदर वो वाला पल्सर वाला एक्सल जाएगा नहीं। अगर पल्सर वाला एक्सल आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हो, तो इसमें आप KTM का भी इंस्टॉल करते हो, मतलब जो भी बड़े बड़े बाइक आते हैं सभी का एक्सल लगभग सेम, पल्सर जैसा ही मोटा होता है, तो इसमें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मुझे 18 mm का ड्रिल बिट चाहिए, इतना बड़ा मोटा ड्रिल बिट अगर आप काम करोगे तो आपका हाथ सेक होगा, आपको बहुत रिक्स ये वाला काम है, क्योंकि इतना 18 mm ये बहुत मोटा ड्रिल है, देख सकते हो बिल्कुल इसका मैक्सिमम साइज ड्रिल बिट्स ये होल्ड कर सकते, यही वाला है। सो ये देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हो गए, मैं अगर दिखाऊं देखो पूरा, और ये पूरा मतलब ये जो होल है बड़ा हो गया, तो थैंक्स टू ये वाला ड्रिल बिट्स। चलिए इसमें ये जो स्विंग आर्म है पल्सर 180 का, अभी अंधेरा है थोड़ा सा, तो जस्ट मैं टेम्पररी यूज़ करके, क्योंकि मुझे ये वाला सस्पेंशन बिठाना है, ब्रैकेट बनाना है।
तो व्हील को जैसे फिटिंग हो गए। अब मुझे यहाँ पे मार्क करना है, ये जो डिस्क कैलिपर है बिल्कुल इसमें स्टेट में रहेगा, देख सकते हैं। देखो इस होल में एक ब्रैकेट एल टाइप का बना के इसके साथ वेल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इस पत्ती को स्टॉप कर सके, मतलब डिस्क का कैलिपर को। इसमें अगर आपको पीछे डिस्क ब्रेक बिठाना है तो आपको पहली बात आप स्विंग आर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो स्विंग आर्म चेंज कर सकते हो, 220 का स्विंग आर्म डाल सकते हो, बट ये 180 का स्विंग इसमें ही मैं डिस्क ब्रेक कैसे करता हूँ। देखो पहले आपको करना है, एक्चुअली बात यह है इसमें एक स्टॉपर पत्ती आता है जो कि गुब उसमें बैठ जाता है। आपको यूट्यूब में ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी सर्च किया यूट्यूब में तो मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे एक देख सकते हो होल, इस खांचे में इसमें पत्ती रहता है, तो इस पत्ती को मुझे बनवाना है, बट आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक पहले आप एक्सल लगा दीजिए इस तरीके से, उसके बाद आपका डिस्क कैलिपर लगा दीजिए। अब इसको स्लाइड कर लीजिए, देखो अब ये जब आप डिस्क ब्रेक करोगे मतलब ब्रेक मारोगे तो ये कैलिपर घूम जाएगा, अगर यहाँ पे स्टॉपर पत्ती नहीं होगा तो स्टॉपर पत्ती ही इसको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक हैवी वाला टुकड़ा काटा है, इसके सीध में देख सकते हैं इसके पूरा घुस रहा है, ठीक है, और इसमें हम इसे एक्चुअली वेल्डिंग करने वाले इस तरीके से, बट मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके साथ ही वेल्डिंग करेंगे। देखो पहले आपको करना है इसको पहले सटा दीजिए इस तरीके से, अब उसके बाद ये वाला पत्ती यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ये अब स्लाइड कीजिए, इसके बीच और नहीं जा रहा है, तो हमको करना है इसको डेस्क कैलिपर को पकड़ के इस पत्ती को यहाँ पे थोड़ा सा वेल्डिंग कर देना है, हल्का सा वेल्डिंग करना है, उसके बाद मेजरमेंट देखना पड़ेगा। सो ये देखो प्रॉपर के सामने वेल्डिंग कर दे, देख सकते हैं इसको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा पहले, बट बोले तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। देखो प्रॉपर तरीके से जा रहा है, देखो अब वैसे देखो ये नहीं हिल रहा है, यहाँ पे लॉक हो गया और ये होल भी प्रॉपर तरीके से हो गया, तो मतलब कुल मिला के ये वाला प्रॉपर काम हो गया। अब व्हील को एक बार इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से नहीं। सुबह जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने जस्ट टेम्पररी माउंट कर दिया, और ये वाला भी टेम्पररी है, तो पीछे का व्हील देख लो बिल्कुल सेक्सी सा लग रहा है। अब मुझे समहाउ यहाँ पे माउंट करना है, आप एक्चुअली गाइज इस तरीके भी माउंट कर सकते हो, बट आप तिरछा करके भी माउंट कर सकते हो। तो इसमें तो डुअल शॉक आता है, देख सकते हैं यहाँ पे डुअल शॉक का माउंटिंग दिया हुआ है। हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे, आप चाहो ये वाला हाइट को ज़्यादा करने के लिए, अब इस हाइट से लगना रखना चाहते हो या फिर आप हाइट कम करना चाहते हो अपने ऊपर है भाई। तो ये वाला हाइट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको अगर दिखाऊँ देखो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है, तो हम हाइट थोड़ा सा लोअर करेंगे, तो वो वाला सस्पेंशन आप अपने अकॉर्डिंग माउंट कर सकते हो। अगर आप हाइट ज़्यादा करना चाहते हो तो आप हाइट ज़्यादा करके आप यहाँ पे माउंट कर दो, तो आपका हाइट ऐसा ही रहेगा। अगर आप हाइट कम करना चाहते हो तो आप हाइट को पहले लोअर कर दो अपने हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे वेल्ड कर दो, तो ये सस्पेंशन उस हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। अभी इसके सीध में आ चुका है, अब इसमें हम दो जो एंगल है वो हम मेजरमेंट करके बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जैक्ट 3.2 सेंटीमीटर पे ड्रिल होने वाला है, मतलब इसका जो मिडिल पॉइंट है बिल्कुल सेंटर, उससे यहाँ तक 3.2 सेंटीमीटर है। गैस ये है दो पत्ती, हमने प्रोबाज से काट दिया है, और यह है 18mm का ड्रिल, मतलब 18 नंबर का ये आपका बोल्ट है, इसमें आपका इसीलिए हो जाएगा। तो चलिए अब मेजरमेंट कर लेते हैं। ये गैस परफेक्ट शेप, बिल्कुल परफेक्ट हमने काट दिया। अब मेन बारे वेल्डिंग करने की, भाई बहुत मेहनत का काम है भाई, वीडियो को एक बार लाइक कर देना और पसंद आया तो लाइक करना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइस ऐसे ऑयल करना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने ये वाला चीज़ ऑयल कर दिया है एक तरफ से, ये वाला जस्ट मैंने इसको होल्ड करके टाइट किया है, अब इसको मैंने वेल्डिंग नहीं किया है, अब इसमें वेल्डिंग करूँगा। उससे पहले ये वाला पूरा नगल फिटिंग होना चाहिए अच्छे तरीके से, उस हिसाब से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले नट बोल्ट टाइट किया है, और देख यहाँ पे मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। सो एज ये 180 का स्विंग आर्म, इसमें इसके अंदर देख सकते हैं नीडल बियरिंग आता है, तो उसके अंदर हम ग्रीसिंग करके इसका जो बुश वगैरह है वो हम फिटिंग करेंगे। तो मेरे पास एक ओल्ड बुश था और ये न्यू मैंने परचेज किया है, बुश का प्राइस देख सकते हो 76 रुपीज़ एक बुश का प्राइस है,
हाँ स्विंग आर्म स्लीव देख सकते हैं, एक बुश का प्राइस 76, बहुत ज़्यादा महंगा है भाई। तो एक न्यू एक ओल्ड है हम यूज़ करेंगे। एक हफ्ते से मुझे ये वाला चीज़ में नहीं मिल रहा था। पहले एक्सल हमने परचेज़ किया, ये वाला स्लीव इसे बोलते हैं। तो इसका एक्सल को मैं अगर दिखाऊँ, ये पहला 220 का एक्सल नहीं है, मैंने दूसरा गाड़ी का यूज़ किया है, क्योंकि इस ये जो एक्सल है इसको थोड़ा सा छोटा है। मैं अगर पार्ट नंबर दिखाऊँ, ये वाला पार्ट 130, 130 रुपये इस एक्सल का प्राइस है, और नट का प्राइस अलग से 21 रुपीज़। जो स्लीव है देख सकते हैं, इसके अंदर जस्ट डाल देंगे और ये इसको घुमा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि और निकाल लेंगे एक बार, देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गया है। तो इसको थोड़ा सा घुमा के इसके अंदर डाल देंगे। ये वाला स्लीव है, इसको मैंने परचेस किया है, पता नहीं 24 रुपीज़ लिया है। ये पल्सर 150 का डस्ट कवर, ये भी बाद में इसमें हम लगा देंगे, अभी फ़िलहाल तो ये वाला चीज़ यहाँ पे फिटिंग हो जाएगा। स्लीव फिटिंग करने से एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये वाला इस गाड़ी के लिए नहीं बना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं थोड़ा सा गैपिंग हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा देखो गैपिंग हो रहा है, और इस ये इस साइड भी देख सकते हैं गैपिंग हो रहा है। तो इस गैप को मैंने दो तरफ डिवाइड कर दिया है। तो एक वॉशर आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कुछ स्पेसर बनाना पड़ेगा उस वो इसके बीच में और एक इसके बीच में चला जाएगा, तभी क्या होगा स्विंग आर्म बराबर हो जाएगा। सस्पेंशन से बोलते हैं, देख सकते हैं हमने दो वॉशर के यूज़ किए, दो वॉशर। एक्चुअली आप छोटा वाला वॉशर यूज़ करोगे तो अच्छा होगा, और डस्ट सील को हमने इस तरह शिफ्ट कर दिया। तो अभी ये प्रॉपर देख सकते काम कर रहा है। अभी आपका स्विंग आर्म देख सकते हैं यहाँ पे अड़ग रहना चाहिए, अब जब छोड़ोगे ना तो नीचे आना चाहिए, बिल्कुल फ्री मूव करना चाहिए। तो ये प्रॉपर से काम हो गया है फाइनली। अब हम क्या करेंगे, जो मोनोशॉक देख रहे हैं वो हम इसमें इसका जो ब्रैकेट बना है इसमें फिटिंग करेंगे, और इसका जो ऑयलिंग है फाइनल आज करेंगे, तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। अब गैस ये जो हाइट है मैंने नीचे कुछ लिखा है, मुझे ये हाइट चाहिए, इतना हाइट काफ़ी है, ज़्यादा हाइट रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने हाइट ठीक कर दिया है, अब उस हिसाब से हम देख सकते हैं, हमने ये वाला तो प्लेट बनाया था इसके हिसाब से यहाँ पर पूरा फिटिंग आ रहा है। तो हम इसको सी क्लैंप की मदद से अटैच कर देंगे और यहाँ पर ऑयल कर देंगे। अब टाइट करने के बाद ये वाला इजीली रिमूव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नट एक बार खोल के देख लें कि इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे फाइनल इसका वेल्डिंग करेंगे। देख सकते हैं कैसे बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, तो बाद में हम इस पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको टाइट कर देते हैं फिर से। अब गाइज टीम थोड़े रेडी हो गए, तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं जो हमने बनाया है, सस्पेंशन कैसे काम करता है। सस्पेंशन जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और मैंने ये काम फर्स्ट टाइम किया है मोनोशॉक वाला, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और बाकी फिनिशिंग वगैरह बाद में होगा, बाकी रॉ मटेरियल कुछ ऐसा दिखने वाला है बाइक, और भी मुझे मॉडिफाई करना है इसको। तो इसका चेन का लिए लोचा है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको सीट ये पत्र दिख रहे हैं, सीट मेकिंग ओवर होने वाला है, सीट कैसे हम बनाते हैं, और बाकी जो भी छोटे मोटे काम है, जैसे ये व्हील देख सकते हैं यहाँ पर खुला हुआ है तो एडजस्ट करना है, चेन लगाना है, बाकी इतने भी काम है वो हम छोटा मोटा वो हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, तो वो हम कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो सीट पैन का होने वाला है भाई, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा मेहनत लग रहा है। तो गाइस लाइक करना वीडियो को, अच्छा लगे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल बटन पर प्रेस करते हैं, मतलब नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। जय हिंद। बजाज बॉक्सर मॉडिफाइड हो रहा है, बाय बाय।